गांधी नेहरू परिवार के वंशज संजय गांधी के बेटे और राहुल गांधी के चचाजात भाई वरुण गांधी, जो पीलीभीत से भाजपा के सांसद भी हैं, आजकल भाजपा की नीतियों का मुखरता से विरोध कर रहे हैं। 2-3 सालों से लगातार पत्र पत्रिकाओं में ऐसा लेख लिख रहे हैं जो सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले होते हैं। लगातार ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे स्पष्ट होता जा रहा है कि उनका पार्टी से मोह भंग हो चुका है। किसान आंदोलन के समर्थन करने की बात हो या अग्निपथ जैसी योजनाओं की विरोध करने की बात हो या आम जनता के महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की बात, वरुण गांधी कई बार तो विपक्ष से भी ज्यादा आक्रामकता के साथ सरकार के खिलाफ नजर आते हैं। इतना ही नहीं, आजकल उनका कांग्रेस को लेकर भी सोच और विचार पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूँ न पंडित नेहरू के खिलाफ हूँ, हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। यही नहीं, कई मुद्दों पर तो वो राहुल गांधी की ही भाषा बोल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जाति पाति तोते के तरह, भाई को बांटो भाई को काटो, ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूँ कन्याकुमारी से यहाँ तक, ये सच्चाई नहीं है। देश एक है, इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूँ, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। राजनीति की समझ रखने वाले लोग बता रहे हैं कि बहुत जल्द वरुण गांधी कांग्रेस से जुड़ने वाले हैं। उनका संपर्क लगातार उत्तर प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी और उनकी बहन प्रियंका गांधी के साथ बना हुआ है। भाई होने के नाते प्रियंका गांधी से बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी पूरी कोशिश कर रही हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाएं, और उनकी कोशिशें कहीं ना कहीं रंग लाती हुई भी दिख रही हैं। असल में देखा जाए तो पिछले कुछ सालों के दौरान भाजपा ने वरुण गांधी और उनकी मां को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। उनकी मां के पास पहले केंद्रीय मंत्रालय था, वो भी छीन लिया गया है। ऐसे वक्त में वरुण गांधी की छटपटाहट और व्याकुलता बता रही है कि भाजपा में वो ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। आज कल परसों या कुछ महीने बाद हो सकता है कि वरुण गांधी की कांग्रेस में घर वापसी हो जाए और गांधी नेहरू कुनबा जो टूटा और बिखरा हुआ लग रहा है वो एक होकर 2024 में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े।